हाउ टू कनेक्ट वाईफाई इन विंडोज 10। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है विंडोज 10 पर वाईफाई कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल के भी हो सकते हैं या फिर आपके ब्रॉडबैंड के भी हो सकते हैं। अगर आप मोबाइल से हॉटस्पॉट शेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने पीसी पर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे हमें वाईफाई कनेक्ट करके अपने पीसी के अंदर पे इंटरनेट कनेक्शन भरना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नीचे में देखें टास्क बार में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक ग्लोब जैसा ऑप्शन, ठीक है, राउंड करके वहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड। लेफ्ट क्लिक करके आपको इसे ओपन कर लेना है, वाईफाई पे क्लिक करना है। ठीक है, तो वाईफाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल मिल जाएगा। तो मेरा जो है यहाँ पे एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्लिक करना है, कनेक्ट ऑटोमेटिकली, उसके बाद कनेक्ट कर देना है। ठीक है, एंड देन दोस्तों आपका जो यहाँ पे वाईफाई है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं चेकिंग नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स कनेक्टिंग, तो ये हो गया कनेक्टेड। अभी आप इसको डिसकनेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों वाईफाई कनेक्ट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस यहाँ पे बता रहा है, लिखा हुआ है इंटरनेट एक्सेस, यानी कि इंटरनेट काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने विंडोज 10 पर वाईफाई कनेक्शन कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपके जो पीसी है उसमें हॉटस्पॉट सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई पीसी होते हैं उसमें हॉटस्पॉट नहीं होते और हॉटस्पॉट का ड्राइवर नहीं होते, तो उसके वजह से भी हमें यूज़ करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलते। तो आप वो सब एक बार चेक कर लेना अपने पीसी पे है या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।